हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा जो ये चैनल है जिंदगी खुल के जियो, ये मोनेटाइज के लिए एलिजिबल हो गया है। तो यहाँ पे जाके देखते हैं, अर्न ऑप्शन पे जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा अप्लाई टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, और ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर चुका है। यहाँ पे नीचे जाए देखेंगे, रीच 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है और 4000 पब्लिक वॉच आवर भी कंप्लीट हो चुका है, टू स्टेप वेरिफिकेशन भी कंप्लीट है और कम्युनिटी गाइडलाइंस भी ओके है। तो चलिए अप्लाई करते हैं अभी। तो आपको सबसे पहले यहाँ अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना होगा और फिर आपको यहाँ पे रिव्यू बेस टर्म्स, यहाँ पर स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर आपको इसे स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पे आपको मिलेगा आई एक्सेप्ट द बेस टर्म, इसे आपको चेकबॉक्स को क्लिक करना है और फिर उसके बाद एक्सेप्ट टर्म्स करना है। ये स्टेप वन कंप्लीट हो गया। साइन अप फॉर गूगल एडसेंस, क्रिएट ए न्यू एडसेंस अकाउंट और कनेक्ट एन एग्जिस्टिंग वन टू योर चैनल, यू नीड एन एडसेंस अकाउंट टू मोनेटाइज एंड गेट पेड। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा स्टार्ट बटन पे। यू विल बी रिडायरेक्टेड टू एडसेंस टू कंप्लीट दिस स्टेप्स। तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे यस आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, आई डोंट, तो यहाँ पे आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। अगर आपका पहले कोई एडसेंस अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज आपको ये आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट ये ऑप्शन लेना होगा और यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। और फिर आपको यहाँ पे लॉग इन करना होगा। तो यहाँ पे आपको ये नाम आ गया योर वेबसाइट, यहाँ पे आपको लिंक आ जाएगा, यहाँ पे आपको लिंक वेबसाइट का लिंक आ गया, मतलब ये आपका यूट्यूब का लिंक हो गया और ये आपको आईडी हो गया यहाँ से यहाँ तक। गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, यहाँ पे आपको दे सकते हैं यस, सेंड मी कस्टमाइज्ड हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशन। अगर कोई ईमेल नहीं चाहते हो एडसेंस से आए अननेसेसरी तो सिंपली नो पे क्लिक कर दें, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट यस पे कर दें। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्री अपना सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट योर कंट्री इंडिया। यहाँ पे आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने होंगे। चेक यस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा क्रिएट अकाउंट। तो ये पे चूज द पेमेंट प्रोफाइल डेट विल बी एसोसिएटेड विद द अकाउंट, कस्टमर टाइप इंडिविजुअल नेम एंड एड्रेस आ गया। तो नेम एंड एड्रेस हमें चेंज करना है। एड्रेस डालने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। रिडायरेक्टिंग यू टू यूट्यूब वेयर यू कैन कंटिन्यू योर सेटअप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन प्रोग्रेस है, ये हो गया गेट रिव्यूड, यूट्यूब विल रिव्यू योर चैनल and make sure that it complies with the YouTube monetization policies. We will email you a decision usually within a month. This step will begin automatically after you have completed the first two steps. Next step जो है YouTube करेगा, उसे review करेगा हमारे site को और फिर उसके बाद हमें एक email आएगा whether हम लोग का site वो eligible है कि नहीं है। तो विद इन 24 आवर्स हमें एक दूसरा मेल मिला है, ये मेल
आज रात को ये आया था, मतलब कल आया था रात को, तो हमने चेक नहीं किया है, तो अभी देखते हैं इसे। वेलकम टू यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, जो कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है, ये देख सकते हैं। यू डिड इट, जिंदगी खुल के जियो, यू हैव बीन एक्सेप्टेड इन टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, विच मीन्स यू कैन नाउ अर्न मनी फ्रॉम योर कॉन्टेंट एंड टेक एडवांटेज ऑफ एडिशनल बेनिफिट्स लाइक एक्सपांडेड कॉपीराइट प्रोटेक्शन टूल्स एंड एक्सेस टू आवर क्रिएटर सपोर्ट टीम्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो पार्टनर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम है वो एक्सेप्ट हो चुका है, और हमारा जो चैनल है वो यूट्यूब से अर्निंग करने के लिए भी एलिजिबल हो चुका है। तो स्टार्ट अर्निंग बाई टर्निंग ऑन मोनेटाइजेशन फीचर्स, तो मोनेटाइजेशन फीचर को ऑन करने के लिए क्लिक करते हैं यहाँ पे। आप यूट्यूब से भी जा सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ से आप अपने चैनल पे जा सकते हैं। जैसे आप क्लिक कीजिएगा वहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा यूट्यूब स्टूडियो में, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यहाँ पे आपको क्या करना है ये देख सकते हैं, वेलकम टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। यहाँ पे आपको लेट्स गो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लेट्स गो पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप देख सकते हैं चैनल मोनेटाइजेशन ऑप्शन, ओवरव्यू, वॉच पेज, एड्स, शॉर्ट्स, फीड्स, एड्स एंड सुपर्स। यहाँ पे ये 4 टैब मिलेंगे। तो पहले इस टैब का काम करना होगा ओवरव्यू। यहाँ पे देखते हैं गेटिंग पेड, नो रेडी फॉर पेमेंट, ये सब हो गया। यहाँ पे वॉचिंग पेड्स, गेट स्टार्टेड। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें इस ये ऑप्शन मिला, अर्न फ्रॉम एड्स एंड यूट्यूब प्रीमियम ऑन द वॉच पेज। तो इसे हमें टर्न ऑन करना होगा सबसे पहले, और फिर उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आई एक्सेप्ट द वॉच पेज टर्म्स, ये टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है यहाँ पे क्लिक करके। फिर उसके बाद आपको एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, विच वीडियो डू यू वॉन्ट टू मोनेटाइज, ऑल ऑफ माई एग्जिस्टिंग वीडियो एंड आई विल चूज। यहाँ पे आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, या यहाँ पे डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट ऑल ऑफ माई एग्जिस्टिंग वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं मोनेटाइज ऑल। टैब का काम कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आ गए हम लोग वॉच पेज एड्स, यू आर अर्निंग फ्रॉम एड्स एंड यूट्यूब प्रीमियम ऑन वॉच पेज। एनालिटिक्स देख के भी फायदा नहीं, क्योंकि इसे अभी हम लोग एनेबल किए हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट फीड पे जा सकते हैं, टर्न ऑन, फिर सिमिलरली यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो एक्सेप्ट करना होगा। आई एक्सेप्ट द शॉर्ट फीड टर्म्स। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करना है। तो ये फीचर आपको ऑन हो गया। फिर यहाँ पे आपको सुपर एक ऑप्शन है, यहाँ पे जाते हैं, सुपर चैट, सुपर स्टिकर एंड सुपर थैंक्स, गिव फैंस न्यू वेज टू सपोर्ट यू, अर्न एक्स्ट्रा रेवेन्यू फ्रॉम योर अपलोड्स, लाइव स्ट्रीम एंड प्रीमियर्स। इसे स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा गेट स्टार्टेड, और फिर आपको यहाँ पे नीचे आना है स्क्रॉल डाउन करके। यहाँ पे आपको यहाँ अपना नाम लिखना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, ये क्वेश्चन मार्क पे पॉइंट है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा ये सब। इफ यू आर ऑन बिहाफ ऑफ ए कंपनी एमसीएन, एंटर द कंपनी नेम। इफ यू डोंट रिप्रेजेंट ए कंपनी, एंटर एन ए इन दिस फील्ड। सो सिंपली टाइप NA, N/A, नॉट एप्लीकेबल फॉर मी। सो यहाँ पे क्लिक करें, तो यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं ये फीचर भी एनेबल हो चुका है, यू आर एलिजिबल फॉर सुपर थैंक्स, टर्न इट ऑन टू
टू एड ए न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम ऑन योर अपलोड्स। तो यहाँ पे ये जब से योर सुपर चैट एंड स्टिकर्स एक्टिविटी नो सुपर चैट्स येट, वी आर नॉट एबल टू शो सुपर चैट ट्रांजेक्शन एट दिस टाइम। शायद यहाँ पे इसको ऑन करना होगा। सुपर स्टिकर्स आर नाउ एनेबल्ड। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये सारे एक्टिवेट हो गए। अब नेक्स्ट आपको अपने कंटेंट्स पे जाना होगा यहाँ पे। और ये देखिए सारे ऑन हो चुके हैं ये, और ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये इन एलिजिबल है ये शॉर्ट्स, दिस वीडियो कैन नॉट बी मोनेटाइज्ड। यहाँ पे देखिए शॉर्ट लाइब्रेरी विद थर्ड पार्टी कंटेंट, ये थर्ड पार्टी कंटेंट का इसलिए ये इन एलिजिबल है। और यहाँ पे ये देखिए ये इन एलिजिबल, द वीडियो कैन नॉट बी मोनेटाइज्ड ड्यू टू कॉपीराइट स्ट्राइक। और यहाँ पे कॉपीराइट मैच हुआ, तो लेट्स चेक इट, सी डिटेल्स। यहाँ पे देखिए यहाँ कुछ पोर्शन दिखा रहा है, तो ये बी ए पी का म्यूजिक का है। और हमने एक वीडियो डाला था, वहाँ पे एक थर्ड पार्टी का म्यूजिक लिया था, जो कि उस वेबसाइट पे वो फ्री था। और यहाँ पे आपको देख ली, यहाँ पे ये कॉपीराइट लग गया है यहाँ पे। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे रिप्लेस कर देंगे या म्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको उसे म्यूट करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए या सिर्फ पार्टिकुलर उस म्यूजिक को हटाने के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा एक्शन पे। और यहाँ पे आपको करते हैं रिप्लेस सॉन्ग, म्यूट सॉन्ग, म्यूट सॉन्ग पे जाना है आपको। तो यहाँ पे आपको एक फीचर मिलेगा, जरा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है। और यहाँ पे देखिए म्यूट ऑल साउंड्स ऑन सॉन्ग्स प्ले, आपके पूरा, अगर ये आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपके जितने भी साउंड है, सारे साउंड, वॉइस हो या कुछ भी हो, सब कुछ म्यूट हो जाएगी। तो बेटर आपको ये ऑप्शन लेना है, सिर्फ जो कॉपीराइट सॉन्ग है, जो साउंड है वही डिजेबल हो जाएगा, वही साउंड सिर्फ म्यूट होगा। तो यहाँ पे म्यूट सॉन्ग ओनली मार दीजिए। तो कंटिन्यू अगेन, म्यूट पे क्लिक कर दीजिए। तो फिर आप देखिएगा उसके बाद ये वीडियो भी आपको मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ये प्रोग्रेस होगा इस तरह के, आप देख सकते हैं। ये मोनेटाइजेशन फील्ड में सारे वीडियो मोनेटाइज हो चुके हैं। सो फाइनली हमें गूगल से मैसेज आ गया फॉर पेमेंट के लिए, गूगल पेमेंट्स, यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी वेरीफिकेशन के लिए आया था, विद इन 24 आवर्स आ गया था। तो अभी चलते हैं इसको वेरीफाई करते। तो सबसे पहले आपको अपना ईमेल खोलना है, और ईमेल पे जो गूगल पेमेंट से मैसेज आया उसको आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे यू विल नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू कीप अर्निंग्स ऑन यूट्यूब, मतलब आपका आइडेंटिटी वेरीफाई करना होगा। और जो डाटा आपने एंटर किया है फर्स्ट टाइम जो एडसेंस के लिए अप्लाई करते वक्त, वो आप इससे बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट से। आप यहाँ पे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे और कोई ऑप्शन होगा, ये देखिए स्क्रॉल डाउन करना, मैसेज में आपको ये मिल गया वेरीफाई नाउ। तो यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट यू विल नीड फॉर वेरीफिकेशन, वेरीफिकेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो एन आईडी टू वेरीफाई डेट इट्स रियली यू, एक आइडेंटिटी चाहिए आपको, वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है या वोटर कार्ड। तो यहाँ आपको बिगिन वेरीफिकेशन पर क्लिक करना होगा। एंटर द एग्जैक्ट सेम नेम फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, इंक्लूड योर गिवेन नेम एंड फैमिली नेम इफ एप्लीकेबल टू मेक श्योर डेट वी हैव गॉट इट राइट, वी मे अपडेट द नेम टू मैच। तो यहाँ पे आपने जो नेम डाला है उसी को डालिए यहाँ पे। और यहाँ पे आपको देना होगा आइडेंटिटी कार्ड, आईडी टाइप कौन सा है आपका, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट होने से पासपोर्ट या वोटर कार्ड होने से वोटर कार्ड सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं पैन कार्ड।
तो पैन कार्ड सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ गया फ्रंट ऑफ आईडी एंड बैक ऑफ आईडी, ये चीज़ चाहिए आपको। यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, आधार कार्ड नॉट एक्सेप्टेड, तो क्लिक अपलोड। फिर उसके बाद आप तो बैक ऑफ आईडी, इसका बैक साइड भी अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक किए नेक्स्ट पे, और यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस, एड्रेस आप एक बार अगर एंटर कर दीजिएगा तो ये नेक्स्ट टाइम चेंज नहीं होगा एड्रेस। एड्रेस एंटर करने के बाद आपको नीचे आना स्क्रॉल डाउन करके, फिर वहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, यू आर रेडी, चेक द ईमेल डेट वी सेंड टू यू फॉर मोर डिटेल्स। गूगल पेमेंट से एक ईमेल आया है, उसे आपको चेक करना होगा। यहाँ देख सकते हैं पेमेंट है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आ गया मैसेज, आप देख सकते हैं योर आइडेंटिटी हैज़ बीन वेरीफाइड, प्लीज साइन इन टू योर गूगल एडसन अकाउंट एंड सेट अप ए प्राइमरी पेमेंट मेथड इफ यू हैवंट डन सो ऑलरेडी। अगर आपने प्राइमरी पेमेंट मेथड के लिए अभी तक सेटअप नहीं किया है, सेटअप करना होगा। तो यहाँ पे चलते हैं अभी, तो यहाँ पे गोट इट कर दिए हम। तो यहाँ पे हो गया पेमेंट मेथड, तो ये हो गया गूगल पे बैलेंस 00, यहाँ पे सेटिंग्स, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो है, इसे आप दो तरह से फिलअप कर सकते हैं, डायरेक्टली यहीं से कर सकते हैं या फिर आप गूगल एडसेंस में लॉगिन करके आप जा सकते हैं। तो ये एडसेंस में अगर जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस मिलेगा आपको, और यहाँ आपको मिलेगा मैनेज टैक्स इन्फो, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। या देखिए सेम ऑप्शन यहाँ पे भी है मैनेज टैक्स इन्फो, तो आप कहीं पे भी क्लिक करके ये ऑप्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए यहीं से जाते हैं हम मैनेज टैक्स इन्फो, यहाँ पे क्लिक किए, फिर उसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा सबमिट ए टैक्स फॉर्म एज सून एज पॉसिबल। अगर आप इसे सबमिट नहीं करेंगे तो गूगल डायरेक्टली 30% आपका जो अकाउंट अमाउंट होगा उसमें से डिडक्ट कर लेगा टैक्स के हिसाब से। तो उसके लिए हमें अगर 30% से हमें सेव करना है कुछ, तो हमें ये फॉर्म सबमिट करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा एड टैक्स इन्फो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टार्ट टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है। आपको अकाउंट को वेरीफाई करने के बाद आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो यहाँ पे सिंपली इंडिविजुअल पे क्लिक करें, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। फिर आपको आर यू सिटीजन ऑफ रेसिडेंस ऑफ USA, अगर आप अमेरिका के सिटीजन हैं तो आपको यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करें अगर आप अमेरिकन नहीं है। तो फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलेगा, W8BEN फॉर्म है, दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय नॉन US, अगर आप अमेरिकन नहीं है तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप अमेरिकन है तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद स्टार्ट W8BEN फॉर्म पे क्लिक करना है। तो जैसे आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको अपना कंट्री लेना है। टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिटी नंबर डेट IRS रिक्वायर्स pay to provide for some tax. If you are claiming a tax treaty, you must provide either your foreign TIN or a US TIN. यहाँ पे आपको foreign TIN आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। अपना पैन नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ अपना एड्रेस एंटर करना होगा।
अपना एड्रेस एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अगर आपका एड्रेस एंट्री करते वक्त गलत भी होता है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आ गया टैक्स ट्रीटी, आर यू क्लेमिंग ए रिड्यूस रेट ऑफ विथहोल्डिंग अंडर ए टैक्स ट्रीटी, यहाँ पे आपको यस करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा यूएसए में जितना आपका इनकम होगा। तो यहाँ पे आपको कंट्री देना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर सकते हैं ये चीज, तो इंडिया का। अब यहाँ पे आपको मेन ऑप्शन है स्पेशल रेट्स एंड कंडीशन, तो यहाँ पे आपको सर्विसेज लेना है। और यहाँ पे आर्टिकल एंड पैराग्राफ कौन सा है, यहाँ पे ये लेना होगा आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1। इसके तहत आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो ये आप कर सकते हैं 0% रिड्यूस जीएसटी रेट। फिर यहाँ पे आपको मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टी चार्जेस जो भी होता है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। आर्टिकल 12 ये आ गया, यहाँ पे आपको 15% मिलेगा। आपको देख सकते हैं यहाँ पे 30% से आपको 50% तक आ गया। यहाँ पे आधार कॉपीराइट रॉयल्टीज, अगर आप दूसरे से इनकम करते हैं प्ले और यूट्यूब पार्टनर पर, तो यहाँ पे आपको हो गया ये 15% रिड्यूस ट्रीटी रेट हो गया। ये सिलेक्ट कर लीजिए चेकबॉक्स, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट प्रीव्यू आ जाएगा। आई कंफर्म दैट आई हैव रिसीव्ड द जनरेटेड टैक्स डॉक्यूमेंट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीव दे आर टू डू करेक्ट एंड कंप्लीट। फिर उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ आपको आर यू द पर्सन नेम्ड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन साइनिंग दिस फॉर्म, तो यहाँ पे यस करना है। तो यहाँ पे आपका फुल लीगल नेम देना होगा, और फिर उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक्टिविटीज एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन यूएस, ये एक एफिडेविट हो गया, यहाँ पे आपको नो करना है। यहाँ पे नो करना है क्योंकि आप कोई भी एक्टिविटी यूएस में नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर्टिफाइड ये सिलेक्ट करना है, गूगल और इट्स एफिलिएट विल परफॉर्म सोनली आउटसाइड द यूएस एंड डेट एनी लेबर और कैपिटल यूज टू प्रोवाइड सर्विस विल फिजिकली लोकेटेड आउटसाइड द यूएस। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेटस चेंज एफिडेविट ये आ गया, यहाँ पे आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर ए न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट। अगर आपको पेमेंट अभी तक नहीं मिला है तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, और फिर उसके बाद यहाँ आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन है कुछ, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है आई एक्सेप्ट द पेपरलेस डिलीवरी एग्रीमेंट। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है, क्लिक सबमिट। अपलोड प्रूफ ऑफ रेसिडेंस एड्रेस आपको अपलोड करना होगा, यहाँ पे अप्रूव्ड प्रूफ डॉक्यूमेंट्स है ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट टैक्स पेयर सर्टिफिकेट आधार गवर्नमेंट आईडी रीजनेबल रिटर्न एक्सप्लेनेशन। एसबीआई का अकाउंट का जो है पासबुक वही अपलोड करके देखते हैं क्या होता है। ये हो गया सर, और इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर टैक्स वेरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, वी विल नोटिफाई यू बाय ईमेल एज सून एज वी प्रोसेस योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, वी मे रिक्वेस्ट एडिशनल प्रूफ डॉक्यूमेंट्स इफ नीडेड, दिस प्रोसेस मे टेक ए फ्यू डेज टू कम्प्लीट। तो ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा आपको ईमेल में नोटिफिकेशन आएगा, तो यहाँ पे आपको गॉट इट पे क्लिक कर देना है। तो ऐसे ही आप टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट कर सकते हैं, योर टैक्स इन्फॉर्मेशन है चेंज। अच्छा, ये हमने एक बार गलत दिया था, तो
तो ये दूसरा द सेकेंड टाइम हमने फिलअप्स किया है ये, जो टेक्स इन्फो इज ऑलमोस्ट रेडी फॉर रिव्यू। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा गूगल का टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है। तो आप ये चेक कर सकते हैं अपने एडसेंस अकाउंट पे जाके। एडसेंस पे लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज टेक्स्ट इन्फो, आप वहाँ पे जाइए और फिर उसके बाद आपको यहाँ नीचे आएंगे तो आपको स्टेटस दिखाई देगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस अप्रूव हो चुका है। सो गाइस हमारा एक गूगल का पिन आया जो एड्रेस वेरीफाई करने के लिए। सो गाइस आपको आपके एड्रेस वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल एडसेंस खोलना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक रेड कलर का ऑप्शन आएगा, योर पेमेंट आर ऑन होल्ड बिकॉज यू नीड टू वेरीफाई योर एड्रेस। आपको अपना एड्रेस वेरीफाई करने के लिए एक्शन क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको 6 डिजिट का पिन डालना है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। ये देखिए एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप अपना एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं।